वेलकम टू एड्यूज। आइए आज हम लोग पार्टनरशिप के रिटायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इट मीन्स रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो बोला रिटायरमेंट के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं होता क्या है। जैसे मान लो कि पहले से तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, तीन पार्टनर्स हैं, वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, तीनों मिलकर चला रहे हैं, प्रॉफिट को आपस में बांट रहे हैं। कुछ वर्षों बाद उनमें से कोई भी एक पार्टनर, मान लो सी, रिटायर कर रहा है। सी क्या कर रहा है? रिटायर। तो सी अगर उस बिजनेस से हट गया तो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट उस बिजनेस में होगा उस प्रॉफिट पर हक किसका होगा, किसका अधिकार होगा? ए और बी का। मतलब सी के जाने के बाद ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? बढ़ जाएगा। सी के जाने के बाद ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर, इट मीन्स जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, रिटायर करने वाले पार्टनर्स का जो हिस्सा है वो अब फ्यूचर में किसको मिलेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर, मीन्स जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है। बोला कौन एग्जिस्ट कर रहा है? ए और बी। अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, उनमें से सी रिटायर कर रहा है, तो फ्यूचर में जो हिस्सा सी को जाने वाला था प्रॉफिट का, वो हिस्सा अब ए और बी को जाएगा। सीधा सा मतलब ये होता है कि ए और बी गेन कर रहे हैं और सी क्या कर रहे हैं? रिटायर। सॉरी, सी क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। सी सैक्रिफाइस कर रहा है और ए और बी क्या कर रहा है? गेन। अगर इसको और अन्य शब्दों में बोले तो रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है। क्लियर? आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ए बी सी ये तीन पार्टनर्स हैं, ए और बी इनका चेहरा मुस्कुरा रहा है, प्रैक्टिकली सोचिए, और सी का मूड क्या ऑफ है। सी रिटायर कर रहा है और सी के जाने के बाद बिजनेस का सारा प्रॉफिट कौन लेगा? ए और बी। मतलब ए और बी क्या करेगा? गेन। और सी क्या करेगा? सैक्रिफाइस। मतलब सी बिजनेस से बाहर जा रहा है, अब इस बिजनेस का जो पूरा प्रॉफिट है वो किसको जाएगा? ए और बी को। आइए, ये तो पिक्चर के माध्यम से हमने कॉन्सेप्ट समझा, अब इसको लेकर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने से लेकर। इट मींस एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने को। चलिए इसको हम लोग डील करते हैं। ए बी एंड सी वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, ये तीनों मिलकर प्रॉफिट को बांटते हैं किस तरीके से? 5:3:2 के रेशियो में। बोला कैलकुलेट न्यू रेशियो, और नीचे तीन केसेस दिया हुआ है। इट मींस देयर आर थ्री केसेस हियर, इन तीन केसों का सॉल्यूशन करना है। ये जो तीन समस्याएं हैं, तीन प्रॉब्लम्स हैं, तीन अलग अलग सिचुएशन है। पहला केस ये है, अगर ए रिटायर कर जाए तो क्या होगा, बी रिटायर कर जाए तो क्या होगा, सी रिटायर कर जाए तो क्या होगा। ये तीन अलग अलग केस है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल सा बात है, देखो इधर सॉल्यूशन। इफ ए रिटायर्स, तो ए रिटायर अगर किया है तो उस कंडीशन में करना क्या होगा? अगर ए रिटायर किया है तो क्या करना होगा? देखो ए का 5 है ना, तो 5 को हटाओ, बचेगा कितना? 3:2। तो ए के रिटायर करने के बाद रेशियो क्या बचेगा? 3:2। चलिए इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से मैं बताऊं, ए बी सी का रेशियो क्या है? 5:3:2। कौन रिटायर कर रहा है? ए। कौन रिटायर कर रहा है? ए। तो ए अगर रिटायर कर रहा है तो इसको हटाए, बचेगा कितना? 3:2। अगर बी रिटायर करा, पहला समझ में आ गया कि 3:2 कैसे आया, ए को हटा दिया गया। सेकेंड केस जिसमें कौन रिटायर कर रहा है? बी। अगर बी रिटायर किया तो किसको हटाना होगा? इसको। अगर इसको हटाएंगे तो बचेगा क्या? 5:2। अगर सी रिटायर किया, तो सी अगर रिटायर किया तो इसको हटाएंगे तो बचेगा क्या? 5:3। तो ये रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने समझा कि न्यू रेशियो को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको लेकर के
एक और भी एग्जाम्पल है जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग भी लगातार वीडियो बनाते रह रहे हैं, और अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो उसकी वजह से हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और भी एनर्जेटिक तरीके से, और भी ऊर्जा से ओतप्रोत होकर आपके सामने नए नए वीडियोस लाएंगे। फिलहाल अगले एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। एक्स वाई एंड जेड वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट बांटने का तरीका था 3:2:1। अभी जो एक्स वाई और जेड ये तीनों पार्टनर हैं, ये पुराने पार्टनर्स हुए, ये प्रॉफिट बांटते थे 3:2:1 में। अभी जेड रिटायर कर रहे हैं, एंड हिज शेयर टेकन बाय ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। जो जेड का हिस्सा है वो कौन ले रहा है, ए और बी, किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। ये थोड़ा नया हो गया, कैलकुलेट न्यू पीएल रेशियो। आइए इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो था 3:2:1, और जो रिटायर कौन कर रहा है, जेड। कौन रिटायर कर रहा है, जेड। तो ओल्ड रेशियो था एक्स वाई जेड का 3:2:1, और जेड रिटायर कर रहा है, तो जो जेड का छोड़ा हुआ हिस्सा कौन लेने वाला है, एक्स और वाई। तो जेड जो सैक्रिफाइस कर रहा है जिस पार्ट को, उस पार्ट को कौन लेने वाला है, एक्स और वाई। और क्वेश्चन में ये क्लियर किया हुआ है कि जो जेड का हिस्सा है जो कि 1/6 है, उसको इक्वली कौन ले रहा है, एक्स और वाई। इसलिए हमने यहां क्या लिखा, एक्स गेट्स फ्रॉम जेड, एक्स ने जेड से कितना प्राप्त किया है, 1/6 का आधा, मतलब 1/12। उसी तरीके से वाई ने कितना प्राप्त किया जेड से, 1/6 का आधा, मतलब 1/12। तो अब एक्स गेन कर रहा है 1/12 से, और वाई भी गेन कर रहा है 1/12 से। तो अब हम देखेंगे कि एक्स को, एक्स का अब नया शेयर क्या हुआ और वाई का नया शेयर क्या हुआ। एक्स न्यू शेयर 3/6 उसका पहले से था, 1/12 उसको जेड से मिल रहा है, तो अब उसका हो गया 7/12। वाई का उसी तरीके से 2/6 पहले से था, और जेड के जाने के बाद उसको 1/12 उसका हिस्सा मिल रहा है, तो अब क्या हो गया, 5/12। इट मीन्स जेड के जाने के बाद एक्स और वाई का जो न्यू रेशियो है ना, वो आया आपका 7:5। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट और ये जो रिटायरमेंट वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ कमेंट जरूर लिखें। और अगर आप इस वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाएगा, और बिहार बोर्ड में इसी तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।